समीर तनोली, सबसे पहले कहें साइमन जावेद को अस्सलाम वालेकुम। साइमन जावेद को अस्सलाम वालेकुम। जी हैं, आज BTS के बारे में बात चल रही है। अच्छा, BTS एक ग्रुप है 7-8 लड़कों का, पता नहीं अजीब से हैं, थोड़े मीठे से हैं, लड़कियां उनके पीछे पागल हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये सवाल है आज का। फैन आशिक होता है और इश्क अंधा होता है। अरे बहुत जबरदस्त। अभी अगर कोई होता ना मैंने यहाँ से, या तो उसको उठाना था या मैं खुद उठता, खुद उठ के चले जाते अगर आप में से भी कोई होता तो। जी है, कुछ पता है BTS के बारे में आपको? अच्छा, ये BTS खुसरे जो कोरिया के पकड़ लिया आपने। हाँ, ये अच्छा, इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उनको जो ना पंजाब में भेज दें क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। ठीक है, वो जो ऐसे स्वीटी लड़कियाँ ना, उनके पीछे हमारे जो है पंजाब के लड़के लग जाएंगे, उनके पीछे लड़कियों को लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार, ज़्यादातर आवाम उनको कहती है कि ये जो है ना फीमेल है। ओह नो, आप समझ गए, तो इसका मतलब हमारी ये दाढ़ी मुझे फजूल हो गई है। उनको चिकने पसंद आ रहे हैं वो, फिर अब कोई बात नहीं है, मिठास भरी भी है अंकल। तो क्या हुआ, मिठास तो अच्छी चीज है ना यार। देखो, लड़कों में तो अच्छी चीज नहीं है ना। नहीं नहीं, देखिए, ज़ेनी अप्रोच को बढ़ाना पड़ेगा हमारे माशरे में, ज़ेनी अप्रोच को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही लड़के के पीछे पागल होंगी, पैसे उनके पास और बाकी नो कमेंट्स। आप बताएं क्या बताएं? आप ये बताएं कि पाकिस्तानी लड़कियां क्यों पागल हो रही हैं उन लड़कियों के पीछे? उनके पास दिमाग नहीं है क्या करें? ये BTS आर्मी क्यों कहते हैं अपने आप को? पता नहीं क्यों कहते हैं, आर्मी तो किसी चीज की नहीं है, मेकअप करने की आर्मी है। तो आप चाह रहे हैं कि BTS वाला ग्रुप पंजाब आ जाए, पंजाब में आ जाए, और हमारे जो है ना वहाँ के जो पंजाबी हैं, सरेकी हैं, वो जो उनको बहुत ही इंजॉय करवाएंगे। समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तानी लड़कियों के आजकल यही पसंद आ रहा है, बोलते हैं कि लड़कियां जो है ना, लड़के जो खुसरे बन जाए हम लोग को ये पसंद है। हाँ? तो मतलब हमारी ये दाढ़ी मूंछें किसी काम के नहीं है? काम के नहीं, हम लोग को लगता है ये क्लीन करवा देनी चाहिए, इनको ये पसंद आ गया आजकल। देखें, इस चीज़ में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं एक मेच्योर खातून हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची के हवाले से ये बता सकती हूँ, वो तो टीन एज में, उन्होंने हो सकता है मे बी उसके जहन में ऐसी कोई चीज़ ना हो, लेकिन अब जो मेच्योर लड़कियाँ फॉलो कर रही हैं, उसकी फ्रेंड्स फॉलो कर रही है, इसलिए उसने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उसमें। ऐसी क्या चीज़ है उनको जो इतना पागल किया हुआ? बस ये मोहब्बत होगी इसके साथ, मोहब्बत साथ साथ के साथ मोहब्बत। ओह नो, ये बोल रहे इनके सॉन्ग इनको समझ आते हैं कि नहीं आते, ये आओ आ कर रहे हैं, इनको बोलते हैं चलो भैया। ओरियन सॉन्ग्स गाते हैं। हाँ, ये लोग शायद मेरे ख्याल में हम मर गए क्या साहब? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी दाढ़ियों का क्या फायदा, यही तो मैं बोल रहा साहब, मैं नहीं जानता इसके बारे में। आप बात करना ही नहीं चाहते मेरे से लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे नहीं आ रहा ना, मैंने परेशान कर दिया आपको। नहीं नहीं, आपको नहीं आ रहा है अभी? नहीं। कब आता है आपको? मैं नहीं मालूम भाई, बात ऐसी है, ये आने वाले वक्त में ना फांसी पिलाने का सबसे मेन मकसद इनका यही है, यही बंदे हैं ये BTS वाले। BTS ही हैं, और हम देख रहे हैं कि कराची में, पाकिस्तान में कह लो बल्कि, इसके बहुत फैंस भरे पड़े हैं, खास करके ये लड़कियाँ निब्बियाँ। यही आ रहा था, ये लड़कियां निब्बियां क्यों पागल हुई हुई हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़कियां जैसे दिखने वाले लड़कों से पता नहीं कैसे इश्क कर रही हैं। अब वो छक्कों पे फिदा हो रही है तो हमारा क्या है फिर, ये बताया उनमें कुछ तो कुछ अदा है। क्या है? कुछ अदा होगी उनमें, जब भी मरी बहुत मीठी अदा है उनमें। क्या जानते हैं इसके बारे में? बड़ा सीधा ओपिनियन है हमारा, आए तो लिटा दो बस। क्यों प्यारे इतने यार, क्या करे, दिल आ जाते हैं लड़कियां तो दूर, लड़कों का दिल आ जाते हैं ऐसे गुजरों पे। और आपने क्या किया सुकून के लिए, क्या कर रहे हैं आप? ये दोस्त हैं हमारे, ये दो दोस्त हैं जो आपको सुकून दे रहे हैं? दो नहीं, बहुत सारे हैं। oh, no. सारे काम पे हैं ये लोग, फारिग थे तो आ गए। अभी स्टोरीज में आया है कि कोई लड़की है जिसको स्कूल प्रिंसिपल ने पकड़ा,
उसके हाथ पे जो है ना BTS लिखा हुआ था। तो प्रिंसिपल ने उसको बोला कि BTS हटाओ, उसने बोला मुझे स्कूल से निकाल दो, बेंच में BTS नहीं मिटाऊंगी, तो और उसने स्कूल भी छोड़ दिया। बेवकूफी है। क्या कहेंगे आप उस लड़की को? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि BTS आपका एक शौक है, अगर वो शौक होता है तो वो ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करें ना। ये अकल नहीं है आजकल पाकिस्तानी लड़कियों में, बिल्कुल भी अकल नहीं रही। इनमें नज़र क्या आ रहा है हमें ये पता नहीं चल, इनमें इनको क्या देख रहे। BTS आर्मी कहती हैं वो अपने आप को, क्यों? किस चीज की आर्मी है? क्या कहाँ फायर मार रहे हैं लोग? यही तो समझ नहीं आ रहे, ये लोग कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरफ फायर मार रहे हैं, क्या बचा रहे हैं? देखो इनको BTS लड़कियाँ, हर कोई लड़कियाँ BTS है क्या इनमें? लड़कियाँ फायर मार रही हैं, हाँ ये लोग दे रही हैं। अब क्या कह सकते हैं यार लड़कियों के बारे में, लड़कियाँ होती है ना सलमान, उनको अकल देर से आती है, अब कुछ कर नहीं सकते हम इसमें। कुछ समझाना चाहेंगे आप लड़कियों को, इन निब्बियों को? नहीं नहीं मैं नहीं समझाना चाहूंगा, बर्बाद हो भाई हमारा क्या है, हम सुकून में, तुम लोग बर्बाद होते रहो। समझा दें थोड़ा सा, क्या पता मान जाए आपकी बात। मेरा ये पैगाम है उनका जो है ना बेसिकली दिमाग खराब है। BTS वैसे लड़के लड़कियों की तरह डिजाइन करते हैं ना, स्वीटी से होते हैं, वो हमारे पंजाब में है, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लड़कियों को वैसे बेवकूफ़ है, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। ज़ाहिर है वो फैन है और इश्क में गुम हो चुकी है, और वही साथ तक उनसे प्यार कर रही है कि वो उनको कह रहे हैं कि आप ये हाथ से मिटा दो। प्रिंसिपल ने तो एजुकेट करना है ना। ये तो बहुत गलत है, किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप। ठीक है एक आपका शौक़ है, एक चीज़ आपको पसंद है, वो उसका आपको पूरा जो अथॉरिटी है, पूरी अथॉरिटी है कि आप उसको लाइक करें, लेकिन ये चीज़ बड़ी गलत है कि आप किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। देखें वो तो पापा की परी है, उनको तो समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो पापा की परी को समझाया नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। आप लोगों को अकल वकल बिल्कुल भी नहीं है यार, उनमें आप लोगों को क्या देखते हैं ऐसा? उनके पास हथियार नहीं है इसलिए आप मतलब उनके पास जाना चाह रही है, क्या सीन है, क्या मकसद है, आप लोग समझ नहीं आ रही। इंसान की बसियां बनो, ये तुम क्या हमें छोड़ के छक्कों में फिदा हो गई जी। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो काम कर रहे हैं एक बेहतरीन लेवल पर। अब जैसे अभी एक नया लड़का उठाया अपोलोग्राफी दोस्त से, वैसे क्या बात है शहजादा, लेकिन काम कर रहा है। अब उन लोगों को फॉलो करो, न्यू टैलेंट्स हैं वो लोग सारे। ये गलत है, वो लड़के हैं वो लड़के ही रहेंगे, जो लड़के हैं वो लड़कियाँ रहेंगी, लड़कियों के लिए लड़के सही हैं। कुछ लड़कियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि हमें लड़के सही नहीं लगते, हमें लड़कियाँ चाहिए। फिर वो उनके दिल की मर्जी है। दिल की मर्जी नहीं, वो बोलते हैं कि कैंची ज़रूरी है उनको। बोलो कैंची से कैंची कैसे काम चलेगी? लेकिन वो चला रही हैं ज़बरदस्ती, कैंची से कैंची टकरा टकरा के काम चला रही हैं। फिर बेमजा है, कैंची के लिए तो फिर केला ज़रूरी है। क्या सोच है रे तेरी? अली भाई एक चीज और, मेरी एक फैन और कुलीग ऑफिस में होती है, उरूज नाम है उसका, उन्होंने कहा था कि आज अली भाई आप जब पब्लिक में जाएंगे ना तो प्लीज पब्लिक से रिक्वेस्ट करवाइएगा कि फराज जो है ना वो उनको बाहर घुमाने लेके जाएं, डिनर पे लेके जाएं। फराज इतने मसरूफ हो चुके हैं कि वो उनको कहीं बाहर घुमा नहीं रहे, तो आप जरा समझा देंगे फराज भाई को? वाह 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 फराज भाई, सबका ख्याल रखो यार, बेगम तो बेचारी जो है वो तो गाड़ी का दूसरा पहिया है। फराज भाई उनकी कदर करो, अरूज की, अरूज की, अगर अरूज की कदर करेंगे तो अरूज भी कोई अच्छा ही काम देगी आपको। यार फराज भाई ऐसा तो मत करें, आपकी वाइफ है वो, देख उधर देख के बोल, गिराने नहीं लेके जा, मंगेतर है मंगेतर, मंगेतर को घुमाने फिराने नहीं लेके जा रहे। अरूज की कदर करोगे तो अरूज मिलेगा। फराज भाई अरूज को बाहर लेकर जाओ, डिनर करवाओ, डिनर करवाओ, घुमाने फिराने लेके जाओ, फिराने लेके जाओ। चलें BTS के लिए कोई मैसेज देना है आपने? बोलो दाढ़ी रख लो जानी। हाँ दाढ़ी तो लाजमी रखनी चाहिए, बोलो क्या सुन्नत तरीका, ये भी रखनी तो चाहिए ना यार। ये तो है नौमान भाई, ये तो है, लेकिन BTS वालों को सुन्नत के थोड़ी बता सकते हैं हम? अब वो क्या पता कुछ दिल पिघल जाए उनका, पिघल जाए। चलें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक दफा कह दें अली एजाज के चैनल को सब्सक्राइब करें, अली एजाज के चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। साथ बस होते हैं हम चार बॉयज, सबसे भारी देख के साथ हमको जलती है ये दुनिया सारी, तू तेरा देख बेटा अब है बस हमारी बारी, ऊपर से साथ हैं अंदर से सारे लोग जाली, चेहरे तो साफ हैं पर नीयतें इन सब की काली, देखी ना जाती किसी से हमारी कामयाबी।